मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सियासी संकट बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में शिवसेना तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रही है, शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है। एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। दोनों ही गुटों में इस वक्त चुनाव चिन्ह को लेकर जंग छिड़ी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 40 विधायकों ने बगावत की उद्धव ठाकरे के साथ और अब उन बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी लगातार अहम फैसले ले रहे हैं। अजीत पवार और शरद पवार ने कहा कि यह सरकार लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी, महज 6 महीने में यह सरकार गिर सकती है। जहां एक तरफ एनसीपी यहां पर कई बड़े दाव खेलती हुई दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ही तरफ एनसीपी लगातार तमाम दिक्कतों का सामना करती हुई भी दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें, महाविकास आघाड़ी सरकार जिसका पतन हो चुका है और इसको बचाने के लिए शरद पवार लगातार फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि जल्द ही लोकल मुद्दों पर यहां पर चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। बीएमसी को लेकर इस वक्त महाविकास आघाड़ी काफी ज्यादा चिंतित और परेशान है और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि कई पदों को लेकर गहमा गहमी भी देखने को मिल रही है। बात करेंगे यहाँ पर उद्धव ठाकरे के उस फैसले के बारे में जिस फैसले से कांग्रेस और एनसीपी खफा होती हुई दिखाई दी है। दरअसल आपको बता दें, एनसीपी और कांग्रेस के बीच अब यहाँ पर दरार देखने को मिल रही है और ये दरार इस वजह से है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जो फैसला लिया है उनके फैसले के चलते यहाँ पर महाविकास आघाड़ी में इस वक्त काफी ज्यादा रार देखने को मिल रही है। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पूरे ही देश भर में बिहार की राजनीति नीति इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बिहार में टूट चुका है और अब आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन से नई सरकार बन चुकी है जो बीजेपी के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जहां एक तरफ 8वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण की है, वहीं दूसरी ही तरफ डिप्टी सीएम बन चुके हैं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। उप मुख्यमंत्री बन जाने के बाद अब दावा किया जा रहा है कि वह कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। आखिरकार क्यों? दरअसल आपको बता दें, कहा जा रहा है कि दोनों ही नेताओं की मुलाकात राजधानी दिल्ली में हो सकती है और ये मुलाकात बेहद खास है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, इस सत्ता के परिवर्तन के बाद अब कांग्रेस यहां पर कई बड़े ऐलान कर सकती है, पूरा फायदा उठा सकती है कांग्रेस। दरअसल आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मंत्रिमंडल को लेकर नीतीश कुमार के पाले में गेंद फेंक दी है और ऐसे में देखा जाए तो अब वह राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने सामने आया है कि ये मुलाकात काफी अहम है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार से सम्मानजनक हिस्सेदारी की बात कर ली है और अपने लिए 4 मंत्रालय मांगे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से 2 मंत्रालयों की मांग की है। ऐसे में देखा जाए तो कैबिनेट गठन को लेकर इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी को लेकर भी तमाम खबरें आ रही हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री जो इस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई है। कहा जा रहा है कि तेजस्वी की पत्नी तेजस्वी के लिए एक लकी चार्म है। जी हाँ, शादी के बाद तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर में एक
बेहद बड़ी सफलता देखने को मिली है। डिप्टी सीएम दोबारा से बने हैं तेजस्वी यादव। उनकी मां रावड़ी देवी ने खुशी को जाहिर किया। तेजस्वी की पत्नी के लिए कहा कि राजश्री भाग्यशाली हैं। बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छा हुआ। राज्य की जनता को धन्यवाद देती हूं। इस फैसले से बिहार की जनता बहुत खुश है। वहीं तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री ने भी अपनी खुशी को जाहिर किया था। उन्होंने कहा था कि सभी को धन्यवाद देना चाहती हूं। इस मौके पर वह काफी खुश नजर आई। आपको बता दें, तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री के बारे में, जो राजनीति की दुनिया से दूर है, लेकिन राजनीति की दुनिया से दूर रहकर उन्होंने अपनी बेहद अलग और खास पहचान बनाई है। जी हाँ, आपको बता दें, जब तेजस्वी राजश्री के साथ शादी के बंधन में बंधे को जा रहे थे, उस वक्त ही तमाम राज खुल गए थे। आपको बता दें, तेजस्वी की पत्नी राजश्री एलेक्सिस ने पहले बार्कलेस के साथ काफी लंबे वक्त तक काम किया है। वहीं तेजस्वी के साथ जब वह आई तो उन्होंने जॉब से ब्रेक ले लिया था। तेजस्वी के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स पर उन्होंने काम भी किया। तेजस्वी के साथ राजनीति की दुनिया में उन्होंने एक अलग पकड़ बनाने की कोशिश भी की थी। अंदरूनी सूत्रों की माने जब दोनों ही एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलने लगे थे, दोनों की मुलाकात जब पहली बार हुई थी, दोनों ही एक दूसरे से दोस्ती किए और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। जानकारी के लिए आपको बता दें, तेजस्वी यादव सिर्फ 9वीं पास हैं, लेकिन उनकी पत्नी राजश्री उनसे कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी है। जी हाँ, आपको बता दें, दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं उन्होंने पास की। इसके बाद आगे की पढ़ाई भी की। लालू प्रसाद यादव की बहू राजश्री लंबे समय तक दिल्ली में रहे भी। जानकारी के लिए आपको बता दें, लालू प्रसाद यादव की बहू राजश्री का परिवार लंबे समय से दिल्ली में रह रहा है। वहीं परिवार काफी समय तक कोलकाता में भी रहा है, या जहां पर परिवार नौकरी के सिलसिले में शिफ्ट हुआ था और फिर कारोबार के सिलसिले में। लेकिन इस तरीके से तेजस्वी की पत्नी राजश्री ने अपनी पढ़ाई को कम्प्लीट किया और साथ ही साथ अपने परिवार पर भी उन्होंने बखूबी ध्यान दिया है। लेकिन बात की जाए यहाँ पर राजश्री के बारे में, तो राजश्री मूल रूप से बंगाल की रहने वाली हैं। लंबे समय तक उनका परिवार दिल्ली में रहा, लेकिन आज वह तेजस्वी के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। शादी के बाद उनके घर पर उनके साथ रह रही हैं। वहीं जितना खास और प्यारा सा रिश्ता है तेजस्वी का राहुल गांधी के साथ, उतना ही खास और प्यारा सा रिश्ता देखने को मिलता है राजश्री का राहुल गांधी के साथ। और ये प्यारा सा बॉन्ड जाहिर करता है कि दोनों ही एक दूसरे का कितना मान सम्मान करते हैं। आज सभी ने देखा जाना कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के एक फैसले से अब यहां पर अजीत पवार ने भी अपनी बात रखी। फिलहाल देखा जाए तो अजीत पवार के फैसले को लेकर अपनी नाराजगी को जाहिर किया, शरद पवार के फैसले पर नाराजगी को जाहिर किया कांग्रेस की नेता जयंत पाटिल ने, और इसी वजह से अब एमवीए में दरार आती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल देखा जाए तो आखिरकार एमवीए किस तरीके से खुद को टिका सकती है एकनाथ शिंदे के सामने, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।